इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल्याण तालुका नयेगांव ग्राम पंचायत के सरपंच के पति समेत दो और अन्य लोगों को ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंब्रा की किस्मत कॉलोनी के रहने वाले शाबिर अब्दुल हकीम नयेगांव सर्वे नंबर 203 में 5 गुंडा जमीन लेकर चाल बना रहे थे। 5 कमरा तैयार होने के बाद इन कमरों की टैक्स लगाने का आवेदन किया था, मगर इसके बदले में एक निजी एजेंट देवेंद्र दिलीप देशमुख 27 वर्षीय और नयेगांव ग्राम पंचायत के सरपंच के पति प्रभाकर गजानंद मड़वी 42 वर्षीय और इसके अलावा ग्राम सेवक दयाराज चंद्रकांत सिडगे 36 वर्षीय, इन लोगों ने टैक्स लगाने के बदले में 1,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, मगर 50,000 पर मामला तय हुआ था। मगर जब शाबिर ने इसकी शिकायत ठाणे एंटी करप्शन ब्यूरो से की तो पुलिस उपनिरीक्षक मदन बल्ला ने इसके बाद 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आगे इस मामले की छानबीन कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।